दोस्तों, यदि आप घर बैठे कुछ एक्स्ट्रा काम कर अपने इनकम को बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से एक पर्सन अपने घर पर कुछ एक्स्ट्रा काम कर अपने इनकम को बढ़ा सकता है। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप गृहिणी हो, या देश के किसी भी कोने में कुछ भी काम कर रहे हो, ये वीडियो सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जिस मेथड की हम बात करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में, वह उसके लिए ना तो आपको कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है, ना आपको कोई प्रोडक्ट डोर टू डोर सेल करना है, और ना ही आपको किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट करना है। मैं आई रिपीट, आपको किसी भी तरीके का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और उसके बावजूद आप एक अच्छी इनकम घर बैठे जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, आपने दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन का नाम जरूर सुना होगा। अमेजन का जो टर्नओवर रहा है वो पिछले साल का वो रहा है 280 बिलियन US डॉलर, और $1 बिलियन के यदि हम इंडियन रुपीज में कैलकुलेशन करें तो ये होती है करीब करीब 7,500 करोड़ रुपए। इतनी बड़ी जो है ई कॉमर्स कंपनी अमेजन है, और हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरीके से हम उसके बिजनेस एसोसिएट बन सकते हैं, यानी कि हम ऑफिशियली अमेजन जैसी कंपनी के साथ हम एसोसिएट हो रहे हैं, हम उसके पार्टनर बन रहे हैं। और इसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, कुछ सिंपल ट्रिक्स है जो मैं आपको बताऊंगा, उनको आपको फॉलो करना है, और सिंपल लिंक्स के थ्रू हम उसके प्रोडक्ट को सेल करेंगे। और जब हम उन प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो उसका जो कमीशन होगा वो हमें हमारे सीधे अकाउंट में मिलेगा, और ये एक बहुत अच्छी खासी इनकम जनरेट करता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि देश में ऐसे कितने ही युवा हैं, कितने ही ऐसी गृहणियां हैं जो घर बैठे लाखों रुपए इस एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अर्न कर रहे हैं। यदि आप ये सीखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नॉलेज किंगडम। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं आपको फुल डिटेल में समझाने वाला हूं कि ये पूरी प्रोसीजर को कैसे किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, देखते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से हम दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं, उसके बिजनेस एसोसिएट बन सकते हैं, और उसके प्रोडक्ट को सेल कर अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आ गया हूं अमेजन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर आप सैकड़ों बार पहले भी आए होंगे, आपने बहुत से ऑर्डर किए होंगे, लेकिन पहली बार अब आप उसके बिजनेस एसोसिएट बनने जा रहे हैं। देखिए, अमेजोन के साथ एसोसिएट होने का एक सबसे अच्छा फायदा यह भी है कि आप इतनी रेपुटेड कंपनी के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, जिससे आपका सेल्फ एस्टीम भी इंप्रूव होता है कि अरे यार, हम इतनी बड़ी कंपनी के बिजनेस पार्टनर हैं। और साथ ही आपको इसमें मिलते हैं आपको ट्रस्ट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक कोई रेपुटेड कंपनी आपके साथ जुड़ी हो जो आपके साथ चीटिंग ना करे। तो अमेजोन इतनी बड़ी कंपनी है कि चीटिंग का तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं। तो आप जो भी यहाँ पर बिजनेस करेंगे, जो मेहनत करेंगे, वो सेफ और सिक्योर है, और इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो हम आ गए हैं वेबसाइट पर, अब चलते हैं हम इस वेबसाइट के इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं। जब आप उसको स्क्रॉल करते हुए इस वेबसाइट के सबसे नीचे वाले हिस्से में आ जाएंगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे मल्टीपल ऑप्शंस। इन ऑप्शंस में एक ऑप्शन होगा, आपको ढूंढना होगा बिकम एन एफिलिएट। देखिए, ये ऑप्शन आपको तब भी मिलेगा जब आप मोबाइल चला रहे हो। तो जिन दोस्तों के पास अभी लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, और यदि वे मोबाइल पर इसे देख रहे हैं, तो आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को खोलिए और उसमें वहां पे टाइप करिए amazon.in, और इस तरीके से अमेजोन के आप जब इस वेबसाइट को खोलेंगे तो आपको अपर राइट कॉर्नर में 3 डॉट मिलेंगे। इन 3 डॉट को आप टैप करें और यहां पे ऑप्शन आएगा डेस्कटॉप साइट, गो टू विजिट टू डेस्कटॉप साइट। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इसके डेस्कटॉप साइट जो मोबाइल जो लैपटॉप पे खुलती है वो आपको यहाँ पे खुली हुई दिख जाएगी। और यहाँ इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आइए, और यहाँ आपको चाहे छोटे अक्षरों में ही सही लेकिन लिखा मिल जाएगा बिकम एन एफिलिएट। इसको आप जूम करके इस ऑप्शन पे क्लिक करिए। तो अब मैं वापस आ जाता हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर बिकम एन एफिलिएट ऑप्शन यहाँ दिख रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पर खुल जाएगा वो इंटरफेस जिसके थ्रू आप अब इस अमेजन से एसोसिएट हो सकते हैं। ये खास तरह का प्लेटफॉर्म खुल चुका है जिसमें जो भी लोग इस पर्पज से जुड़ना चाहते हैं अमेजोन से, जो इसके एसोसिएट बनना चाहते हैं, वहां पर उसे मिलेगा एक फॉर्म। वो फॉर्म सभी को कंपल्सरी भरना जरूरी होता है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अमेजोन खुद कह रहा है कि अर्न अप टू 10% एडवर्टाइजिंग फीस विद अ ट्रस्टेड ई कॉमर्स लीडर। आपको हर ब्रांड जितनी भी आप सेल करेंगे उसका 10% कमीशन आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगा, और इसके लिए आपके जो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसके उसकी जेब से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये कमीशन आपको अमेजन खुद देगा। तो अब हमारे पास ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे मैं जाता हूँ ज्वाइन नाउ फॉर फ्री। इसके लिए कोई आपको चार्ज नहीं देना है, कोई पैसा आपको नहीं देना है। इसे हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद एक फॉर्म जैसा यहाँ पर इंटरफेस खुल जाएगा, कुछ ब्लैंक फॉर्म हमारे सामने आ चुका है, और यहाँ पे 4 चरणों में हमें इसे पूरा करना होगा। पहला होगा अकाउंट इन्फॉर्मेशन, दूसरा होगा वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन लिस्ट, यदि आपके पास कोई वेबसाइट है, कोई मोबाइल एप्लीकेशन है तो उसके इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ डालनी है।
फॉर्म का तीसरा जो पार्ट होगा वो होगा आपकी प्रोफाइल, जिसको हमें पूरा करना होगा, और जो फॉर्म का चौथा जो पार्ट होगा, लास्ट पार्ट, वो होगा कि जिसे हम पूरा करने के बाद अब हम एसोसिएट बन सकते हैं इसके। तो यहाँ पे कुछ चीजें आ चुकी है इसमें। अब अमेजोन हमें कह रहा है कि प्लीज नोट, यू मस्ट प्रोवाइड अ वैलिड बैंक अकाउंट इन इंडिया टू रिसीव पेमेंट। यदि हम इंडिया में हम काम कर रहे हैं तो हमें एक किसी भी बैंक का अकाउंट डिटेल हमें यहाँ पे डालनी है जिसके थ्रू हम पेमेंट लेना चाहते हैं। और याद रहे, आपको नाम वही डालना है जो एग्जैक्टली आपके बैंक में है। चलिए आप इस फॉर्म को भरना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है। पहला, पेई नेम, आपको वही नाम यहाँ पे डालना है जो आपके बैंक अकाउंट में है। एग्जैक्टली देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, एंटर द नेम एग्जैक्टली एज इट अपियर्स ऑन बैंक अकाउंट। यदि नाम आपने जरा सा भी स्पेलिंग मिस्टेक गलत डाली तो हो सकता है कि आपका पेमेंट यहाँ पर अटक जाए। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज एग्जैक्टली वही नाम डालें जो आपका बैंक अकाउंट में है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना नाम, आप देख सकते हैं। नाम डालने के बाद अब आपको डालना है अपने एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है आपको आप यहाँ डाल दें। यदि आपके पास कोई ऐसा प्रॉपर एड्रेस नहीं है या कहीं रेंट पे हैं तो आप एक अपना परमानेंट एड्रेस ऐसा डालिए जिससे आपकी करस्पॉन्डेंस आपसे की जा सके। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया अपना बिजनेस एड्रेस, अब मैं डाल देता हूँ। मैंने यहाँ आप डाल दिया। अब आपको अपने डालना है यहाँ पे सिटी, किस सिटी में आप रहते हैं। सिटी हमने डाल दिया, स्टेट हम डाल देते हैं, पोस्टल कोड हमने यहाँ डाल दिया है, और कंट्री ऑब्वियसली यहाँ पर आएगी आपकी इंडिया। अब आपको अपना फोन नंबर डालना है, आप अपना फोन नंबर डालें। मैंने अपना फोन नंबर यहाँ डाल दिया है। अब ये सब सारी इंफॉर्मेशन आपने अपडेट कर ली है, तो इसके बाद अब यहाँ पर आ जाता है कि देखिए कि क्या आप पेमेंट आप खुद हैं, कोई ऐसा पर्सन, ये आपसे पूछ रहे हैं कि इन सारी चीजों को मैनेज आपकी तरफ से कौन करेगा, आप स्वयं करेंगे या कोई और करेगा। हु इज द मेन कॉन्टेक्ट फॉर दिस अकाउंट, तो आपने यहाँ लिख दिया। इस ऑप्शन पर डिफॉल्ट यही आ रहा है, द पे लिस्टेड अबाउट, मतलब हम खुद ही करते हैं तो हमें लिखना है। और यदि हमारे बिहाफ पर हमारी तरफ से कोई और रिप्रेजेंट होता है तो हमें उसको यहाँ सेलेक्ट करना है उसकी इन्फॉर्मेशन। फिलहाल अभी आप ये रखिए। और अब यहाँ आ रहा है कि फॉर यूएस टैक्स पर्पजेस, तो यदि क्या आप उसमें पूछ रहे हैं कि आर यू अ यूएस पर्सन, हमने इसे कर दिया नो। तो अब ये फॉर्म जो हमारे पास प्राइमरी थी यहाँ पूरा हो चुका है, अब इसे हम नेक्स्ट करते हैं। अब हम सबमिट करते हैं तो हमारे पास जो आ रही इन्फॉर्मेशन, जो हमने अभी एड्रेस यहाँ पर डाला है, यहाँ दो तरीके से आ रहा है, ओरिजिनल एड्रेस और सजेस्टेड एड्रेस। तो मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि आप सजेस्टेड एड्रेस में चले जाएं या इस जगह और सिलेक्ट सजेस्टेड एड्रेस, क्योंकि ये जो है ये अमेज़न ने खुद आइडेंटिफाई किया और ये बहुत प्रॉपर है, तो इससे आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमारे देख रही है आप जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे पूरा हो चुका है। अब ये कह रहे हैं कि आपकी कोई वेबसाइट या कोई मोबाइल ऐप है, तो हम मान के चलिए कि हमारे पास कोई वेबसाइट या कोई मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है, और नहीं है तो अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे क्या डालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ कुछ ना कुछ तो यहाँ पे डालना होगा ही। तो इसके लिए मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप अपने फेसबुक का पेज की प्रोफाइल भी यहाँ पे कुछ लिंक यहाँ डाल सकते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि आपकी कोई वेबसाइट नहीं है, आपके पास कोई मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है, तो आप सीधे अपने फेसबुक प्रोफाइल पे चलें। मैंने अपने फेसबुक प्रोफाइल खोल लिए, और ये आपको लिंक कहाँ से मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो नाम है, यहाँ पे जाए और इस पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो फर्स्ट ये जो लिंक आया है, इसे आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद वापस आप यहाँ आ जाइए और इसे यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। तो ये हो गया ऐड, इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे पास वेबसाइट भी है। हमारे पास जो वेबसाइट है वो यहाँ पर देख सकते हैं, नॉलेज किंगडम जो है वेबसाइट, आप देख चुके होंगे। इस वेबसाइट को मैं यहाँ आता हूँ, और इस वेबसाइट का यदि कोई लिंक है तो भी आप डाल सकते हैं। ये देखिए हमारी पूरी वेबसाइट यहाँ खुल चुकी है। मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और इस लिंक को यहाँ से लिया मैंने और यहाँ डाल दिया। तो आपके पास वेबसाइट हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आप अपनी फेसबुक जो लिंक है उसको यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस तरीके से कर सकते हैं। फिलहाल मैं अपने इस चीज को हटा देता हूँ, मैंने अपनी वेबसाइट डाल दी है इससे। और यदि आपके पास कोई मोबाइल एप्लीकेशन है किसी तरीके से, एंड्रॉयड या आपकी दूसरी ऐप स्टोर पे आपकी कोई एप्लीकेशन है, तो उसका लिंक भी आप यहाँ डाल सकते हैं। तो फिलहाल ये खानापूर्ति है, आपको जरूरी है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन डालना, तो मैंने यहाँ पे डाल दी है। अब हम चलते हैं आगे, इसे नेक्स्ट करते हैं। तो दोनों चीजें हमारे पास यहाँ पे अब कंप्लीट हो चुकी है। तीसरे आगे हम अब अपने पास प्रोफाइल पर, अब आपको यहाँ पे अपने एक स्टोर आईडी बनानी है, जैसा कि आप फेसबुक व्हाट्सएप पे बनाते हैं कि आपकी अपनी कुछ ना आईडी होती है जिससे आप लॉगिन होते हैं, जिससे सारी करेस्पॉन्डेंस होती है। तो मैं यहाँ अपने एक मुझे एक ऐसी आईडी बनानी है जो अब तक किसी ने नहीं ली है। तो मैं याद रखिए, नाम यूनिक होना चाहिए और अब तक किसी और ने नहीं लिया हुआ होना चाहिए। तो मैं इसको करके देख सकता हूँ, 1212।
थ्री मैंने कुछ इस टाइप की बनाने की कोशिश की। मेरी वेबसाइट का लिंक भी यहाँ आ गया है और मैंने यहाँ लिखा है विकास 121283। इस तरीके से मैंने एक कोई भी यूनिक आइडिया बना सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिकल होगी तो बहुत अच्छा है, आपकी कॉमन नहीं होगी, और यदि कोई एप्लीकेशन तो यहाँ पे आ जाएगी। व्हाट आर योर वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन अबाउट, ये किस तरीके की है, और आप कुछ भी उसमें आप लिख सकते हैं कि इट्स एजुकेशन, इट्स अबाउट नॉलेज, कुछ सकते हैं तो मैं लिख दिया यहाँ पे। यदि आपने अपने इस प्रोफाइल में फेसबुक आपने आईडी लिंक डाला है तो यहाँ लिख सकते हैं सोशल नेटवर्किंग, तो आप इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे चीजें हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स बेस्ट डिस्क्राइब्स योर वेबसाइट, इनमें से कौन सा टॉपिक है जो आपकी वेबसाइट को डिस्क्राइब करता है। अगर आपने फेसबुक लिंक डाला है तो आप उसके अंदर से कुछ भी चीज में से डाल सकते हैं। देखिए, आप इसमें बहुत सारी चीजें आ रही है, अदर्स आप चूज कर सकते हैं। अदर्स एक ऐसा डिप्लोमेटिक आंसर है जिसको आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपने कोई वेबसाइट यूज की है तो आप उसमें वो भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट अच्छा खासा आ रहा है, तो आप ये भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसमें आता हूँ, मैंने जो इसमें डाली है तो मैं एजुकेशन स्कूल या प्रेफरेंस में डाल सकते, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी का मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मैं जैसे ही अपनी फर्स्ट कैटेगरी यहाँ कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी डालता हूँ तो सेकेंडरी टॉपिक मुझे यहाँ पे अपने आप खुल जाएगा। तो मुझे यहाँ पे भी मैंने कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी डाल दिया है। यहाँ पर दोनों ही जगह अगर आपने फेसबुक लिंक डाला है तो आप यहाँ पर अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट डाल सकते हैं। दोस्तों, अब ये वेबसाइट हमसे पूछ रही है कि व्हाट टाइप ऑफ अमेज़न आइटम डू यू इंटेंड टू लिस्ट ऑन योर वेबसाइट ऑन मोबाइल एप्लीकेशन, मतलब किन किन आइटम्स को आप ये अपने वेबसाइट पर बेचना चाहते हैं, किन किन आइटम। तो आप, मेरे सजेस्ट करूंगा कि आप क्लोथिंग को लें, क्योंकि इसमें कमीशन अच्छा मिलता है, ग्रोसरी पे भी अच्छा मिलता है, टॉयज पे भी अच्छा मिलता है। चाहे तो आप इनमें से सभी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, किड्स बेबी के प्रोडक्ट्स हैं, या आप इनमें से जो जो भी आपको ठीक लगता है कि मुझे लगता है नहीं, मुझे बुक सेल नहीं करनी है, मूवीज और गेम्स को सेल नहीं करना है, कंप्यूटर ऑफिस को हम सेल कर सकते हैं, होम गार्डन की चीजों को हम बेच सकते हैं। तो ये वो सारी कैटेगरी है जिनमें आप अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं। नेक्स्ट इसमें आ रहा है कि व्हाट टाइप आर योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप, किस टाइप की आपकी मोबाइल ऐप या वेबसाइट है वही आप कर सकते हैं, या इसको आप अदर भी कर सकते हैं। ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसको अदर कर दें, मैंने से अदर कर दिया है। इसमें भी देखिए, इसमें बहुत सारी जो कैटेगरी आ रही हैं, आप इनमें एक ऐसा आंसर चुनें जो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो, जिसमें कुछ क्लियर नहीं हो, क्योंकि अमेजोन इन चीजों के लिए बड़ा स्पेसिफिक है कि किस टाइप के आप पर्सन हैं, क्या काम करते हैं। तो आप यहाँ पर इसे अदर्स कर दीजिए। इसके बाद अब यहाँ पे आ रहा है ट्रैफिक एंड मोनिटाइजेशन, आपकी वेबसाइट पर आपके जो लिंक आपने शेयर किया है उस पर आपको इनकम कैसे मिलती है, क्या चीज कैसे होता है, आपके जो ट्रैफिक है कैसे आता है। तो आप इनमें से बहुत सारी चीजें जो आ रहे हैं आप ये देख सकते हैं, सोशल नेटवर्क आप इसमें कर सकते हैं। ये एक सबसे अच्छा तरीका है कि सोशल नेटवर्क के थ्रू हम लोग आते हैं, या ईमेल के थ्रू यदि आपके पास कोई ट्रैफिक आता है तो आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं, आप अदर्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि हाउ डू यू यूटिलाइज योर वेबसाइट एंड ऐप टू जनरेट इनकम, कैसे आप कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें इसमें आ रही है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ये अदर एफिलिएट प्रोग्राम, ये एक बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक आंसर है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको आपको चूज नहीं करना है, तो आप इसे अदर एफिलिएट प्रोग्राम कर दीजिए। सेम यही आपको यहाँ पर भी करना है ताकि आपको और किसी झंझट में ना पड़े। हाउ डू यू यूजुअली बिल्ड लिंक्स, कैसी तरीके से आपको लिंक कैसे मिलते हैं, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। इसमें आप चाहे तो आप मैन्युअली वायर टेक्स्ट एडिटर, आपको यह थर्ड नंबर पे जो लिंक आ रहा है इसको आपको सेलेक्ट करना है। हाउ मेनी टोटल यूनिक विजिटर्स डू यू वेबसाइट, आपकी वेबसाइट पर कितने विजिटर आते हैं, आपकी फेसबुक प्रोफाइल पे कितने आते हैं, तो आप कुछ भी इसमें जो प्राइमरीली आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, वॉट इज योर प्राइमरी रीजन फॉर ज्वाइनिंग द अमेजोन एसोसिएट प्रोग्राम। अब इसमें यह मत करिएगा कि टू मॉडर्नाइज एंड मोनिटाइज माई साइट, ये नहीं करना है, ये इसके बजाय आपको अदर पे जाना है। देन लास्ट हमारे पास आ गया है, हाउ डूड यू हियर अबाउट अस, आपको कैसे पता लगा इसके बारे में। तो ये आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, वर्ड टू माउथ कर सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। लास्ट में अब हमारे पास आ रहा है कैप्चा, ये आपको सोच समझ के यहाँ पर डालना है, जिसमें जो एग्जैक्टली यहाँ पर जो डिस्प्ले हो रहा है वो की वही इंफॉर्मेशन आपको इस बॉक्स में डालनी है। ये सिक्योरिटी रीजन से होता है, मैं यहाँ डाल देता हूँ उस कैप्चा को, और टर्म्स कंडीशन को मैं यहाँ पे अग्री कर देता हूँ और उसे फिनिश करता हूँ।
देखिए हमारे पास जो थर्ड स्टेप था वो भी यहाँ पे क्लियर हो चुका है और लिखा आगे कॉन्ग्रेट्स विकास उपाध्याय। और ये जो हमने अपनी यूनिक आईडी बनाई थी एसोसिएट आईडी, देखिए Vikas12128321, ये जो है हमारे पास इस बनकर तैयार हो चुकी है ये। और अब से जो भी करस्पॉन्डेंस होगी हमें अमेजोन हमारे नाम से नहीं जानेगा, हमें हमारी आईडी से जानेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी इस आईडी को याद रखें और इसको संभाल के रखें। अब यहाँ पे आ रही इंफॉर्मेशन देखिए, एंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इंफॉर्मेशन। जब भी यहाँ पर इस प्रकार की चीज आती है तो बहुत से लोग डर जाते हैं कि यार ये टैक्स इन्फॉर्मेशन कहाँ डालेंगे, पता नहीं कौन सा झंझट है। कोई घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, नाउ एंड लेटर। यानी कि ये कहने कि पहले आप चाहें तो अपनी कमाई कर लीजिए, एक बार प्रोडक्ट सेल करके देखिए, आपकी इनकम इनके अकाउंट में इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। और जब आपको लगता है कि अच्छे खासा आपने रेवेन्यू जनरेट कर लिया है, पैसा कमा लिया है, तो उसे आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं। तो बाद में भी आप इन पैसों को ले सकते हैं। मैं अभी आपको इस चीज में नहीं कहूंगा कि आप यहाँ पे इस सब चीजों को अपडेट करें, तो इसको हम यहाँ पे लेटर कर देते हैं ताकि आप वो सिंपल है, आपको अपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन आपको डालनी होती है तो यहाँ पे अभी इसको डालने की जरूरत नहीं है, इसको हम यहाँ पे लेटर कर देते हैं। अब जब आप थोड़ा पैसा कमा लेंगे तो आप यहाँ पे उस चीजों को डाल सकते हैं। दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं हमारे पास एक इंपॉर्टेंट नोटिस हमें देखने को मिलता है जिसमें कहा जा रहा है, बिफोर वी कैन पे यू वी मस्ट हैव योर टैक्स इन्फॉर्मेशन। आपको अपने टैक्स इन्फॉर्मेशन यहाँ डालनी है, कोई दिक्कत नहीं। यदि हम अच्छा खासा यहाँ से अर्न कर रहे हैं तो हमें टैक्स इन्फॉर्मेशन डालने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले हम अर्न तो कर लें। इसके लिए हमें अब आगे करना क्या है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं, पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी अर्निंग की पूरी इन्फॉर्मेशन आ रही है, कितना पैसा किस क्लिक से कब कब आपने जनरेट किया है, डेट वाइज आपको पूरा यहाँ पे समरी आपको देखने को मिलेगी। जब आपके प्रोडक्ट बेचना बिकना शुरू हो जाएंगे, लोग खरीदना शुरू करेंगे, तो उसका जो कमीशन आएगा उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आनी शुरू हो जाएगी। कितने आइटम शिप हुए हैं, कितने यहाँ पर अर्निंग हुई है, कितने क्लिक्स हैं, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आनी शुरू हो गई है। और यदि आप बॉटम में आएंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट की लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। ये अमेजोन आपको खरीदने के लिए नहीं कह रहा है, अमेजोन अब अच्छे से जानता है कि आप उसके बिजनेस एसोसिएट हैं, तो ये आपको कह रहा है कि आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं और इनके लिंक आप जगह जगह सोशल मीडिया पे डालना शुरू करिए। कोई भी पर्सन इनमें से कोई भी प्रोडक्ट खरीदेगा तो उसका जो कमीशन होगा वो आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगा। तो ये उनके सजेशंस हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप लिंक जनरेट कर सकते हैं और उन लिंक्स को एक जगह एक से दूसरी जगह कॉपी कर सकते हैं। अब बिना लॉग आउट किए मतलब तो साइन आउट हुए, आपको इसमें लॉग इन ही रहना है और आपको नई अमेजन वेबसाइट पे चलना है। अब यदि हम अमेजन की वेबसाइट खोलते हैं तो यहाँ पर एक नई स्ट्रिप आ जाती है, देखिए ऊपर की तरफ ये आप देख रहे हैं साइट स्ट्रिप। ये जनरली कभी नहीं आती, जब आप बिजनेस एसोसिएट नहीं होते हैं तो ये आपको ये स्ट्रिप देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन वंस एक बार आप इससे एसोसिएट हो चुके हैं तो अब ये आपको स्ट्रिप देखने को मिलेगी। ये उन्हीं लोगों को नजर आती है जो उसके बिजनेस एसोसिएट हैं। अब सपोज करिए कि आपको कोई भी चीज यहाँ पे प्रोडक्ट आपको देखना है, मैंने यहाँ डाला है ना मेंस टी शर्ट है ना, अब मैंने मेंस टी शर्ट यहाँ पे डाला है, तो कोई भी टी शर्ट जो है ना, देखिए यहाँ पे बहुत सारे टी शर्ट यहाँ पे आने लग गए हैं आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यार ये जो टी शर्ट है थोड़ा सा अच्छा ठीक ठाक है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसके अच्छे से लिंक्स आप देख सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार मुझे ऐसे प्रोडक्ट देखने हैं जो जो 100 बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो ऐसे टी शर्ट के बारे में बताए अमेजन खुद जो इसके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हैं, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों। उसके लिए आपको नीचे आना है और यहाँ देखिए नीचे, जब आप नीचे आते हैं प्रोडक्ट डिटेल में तो यहाँ आएगा सी टॉप 100 इन क्लोथिंग एंड एसेसरीज। ये आपको ये नहीं बताएगा कि इस टाइप के टी शर्ट कौन कौन से हैं, क्लोथिंग एंड एसेसरीज के अंदर जो 100 टॉप सेलिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उन सभी की लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ये अमेजोन ने हमें दिखा दिया है कि ये प्रोडक्ट जो है लोग खूब धड़ल्ले से खरीद रहे हैं, इन जो भी फर्स्ट चॉइस है लोगों की यही है, तो आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं और ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। ये देखिए आप यहाँ पे सारे, ये अमेजोन खुद आपको बता रहा है कि ये सारे आपके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, तो इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये व्हाइट टी शर्ट पे जाता हूँ और अब मुझे लगता है कि यार ये टी शर्ट थोड़ा सा ठीक है, और इसकी जो यहाँ पे प्राइस आप देख पा रहे हैं 408 रुपये, तो ये जो प्राइस यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, जो कमीशन मिलेगा आपको 408 रुपये पे ही मिलेगा। अमेजोन अपनी तरफ से आपको कमीशन देगा, आपको इनमें से कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने किसी भी मिलने वाले को लिंक शेयर कर सकते हैं। अब लिंक जो आपको कैसे यहाँ पर आएगा, इसके लिए आएगा गेट लिंक, देखिए ऊपर ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट, यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो यहाँ से आप लिंक जनरेट कर सकते हैं।
क्या टेक्स्ट और इमेज जो है दें, क्या सिर्फ आपको टेक्स्ट लिंक चाहिए, आपको इमेज वाला लिंक चाहिए, या टेक्स्ट प्लस इमेज लिंक चाहिए, तो आप इस पर क्लिक करिए। तो अब ये जो लिंक है यहाँ पर आपका जनरेट हो चुका है। तो दोस्तों जैसे ही हमने लिंक यहाँ पर कॉपी किया, यहाँ पर कॉपी करने के बाद में अब हम आ जाते हैं अपनी फेसबुक पर। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने लिंक्स को कॉपी करके एक दूसरे को हम भेज सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गया फेसबुक प्रोफाइल पर, और यहाँ पर मैं जैसे इसे पेस्ट करूंगा तो कुछ ही देर में यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। देखिए आ गया है ये अमेजोन इनका पूरा, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। और आप जैसे मैं यहाँ पे इसे पोस्ट करूंगा, ये पोस्ट मेरे वॉल पर आ जाएगी और सारे जितने भी लोग होंगे वो इसे देख पाएंगे। तो ये जो है लिंक क्रिएट करके हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो है आप इस तरीके से आप यहाँ से अलग अलग लिंक कॉपी कर सकते हैं और सभी जगह पर आप इसे सर्कुलेट कर सकते हैं। तो जितने लोग इस प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे और यदि वो कंफर्म इस प्रोडक्ट को ले लेते हैं तो ये इनकम जो है आपके अकाउंट में आ जाएगी। मैं यहाँ मेंशन कर देना चाहता हूँ दोस्तों कि इस टी शर्ट को खरीदने से लेके उस पर्सन को पहुंचाने तक, उसकी कलेक्शन या उसको रिटर्न करने तक सारा झंझट जो है, जितना पूरा प्रोसीजर है, वो सब सारी जो हेडेक है वो अमेजन की है, आपकी नहीं है। Amazon आपको ये फैसिलिटी देता है कि आपको सिर्फ लिंक लोगों को भेजने हैं, उनको मोटिवेट करना है कि इन प्रोडक्ट्स को खरीदें, और जितना वो खरीदेंगे उतनी आपकी इनकम में आपको बढ़ोतरी मिलेगी। तो दोस्तों हम आ गए हैं वीडियो के एंड पार्ट में, जहां अब हमें अपडेट करनी है अपने अकाउंट की डिटेल और किस तरीके से हम अपने इस जो भी अर्निंग है उसको अपने अकाउंट में ले सकते हैं। इसके लिए आप वापस अपनी अमेजन एसोसिएट की वेबसाइट पर अभी इस वक्त हैं, और यहां पर आप जब आप जाएंगे तो यहां आ रहा था ऑप्शन पेमेंट इन्फॉर्मेशन। इस पेमेंट इन्फॉर्मेशन पर आप क्लिक करें। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो नया जो इंटरफेस खुलेगा वो आपसे पूछेगा कि आप जो पेमेंट चाहते हैं वो कैसे चाहते हैं। यहाँ पर यहाँ आ रहा है कि 1,000 रुपये मिनिमम होते ही हमारे अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाए। तो मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आप बैंक की लोकेशन कहाँ है, इंडिया में, ऑब्वियसली इंडिया है, और जो पैसा हम चाहते हैं वो इंडियन रुपीज़ में चाहते हैं। बैंक अकाउंट होल्डर नेम, आपको अपना जो बैंक अकाउंट पर आपका नाम है आपको यहाँ भरना है। बैंक अकाउंट नंबर आपको एग्जैक्टली 16 डिजिट का जो अकाउंट है नंबर है, जहां पर इजीली आपका NEFT हो सकता है, जिसमें वो आपको यहां डालना है। बैंक नेम डालना है, आपको बैंक अकाउंट नंबर फिर से डाल के IFSC कोड डालना है, और इसके साथ में आपको उसको सबमिट करना है। जैसे आप इसे सबमिट करेंगे तो आपसे ये इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी और इसी के साथ आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी। देखिए यहाँ पर लिखा गया दोस्तों कि पेमेंट इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी कि अब हमारे पास जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन है पूरी आ चुकी है, अब हम ऑफिशियली पेमेंट लेने के लिए भी एलिजिबल बन चुके हैं। तो अब हमारे पास जितनी भी मोनेटाइजेशन है यहाँ पर है दोस्तों। एक बार जब आपकी पेमेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाए तो अब हमारे पास सिर्फ लास्ट टास्क जो बचता है वो होता है टैक्स इन्फॉर्मेशन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चलकर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने टैक्स इन्फॉर्मेशन को भी यहाँ पे अपडेट कर दें, क्योंकि बहुत से लोग इसको भरने में थोड़ा सा हेजिटेशन फील करते हैं कि अरे यार टैक्स इन्फॉर्मेशन ये कौन सा झंझट है। देखिए मैं आपसे यहाँ कह देना चाहता हूँ कि यदि आप इतना अर्न करेंगे कि आप टैक्स दे सकें तो ये बहुत अच्छी बात है, आप इसे जरूर अपडेट कर दें। तो यहाँ पे इंडिया करंट टैक्स स्टेटस जो है आप यहाँ पे इस पर क्लिक करें। दोस्तों तो जब हम टैक्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन हमारे पास आएगा वो आएगा यहाँ पे कि व्हाट इज योर टैक्स क्लासिफिकेशन। हम इंडिविजुअल है तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे। बाद में यहाँ मैंने अपना नाम डाल दिया है। यदि आपके पास कोई प्रोप्राइटरी बिजनेस फॉर्म है तो उसका नाम यहाँ लिख सकते हैं, यदि नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिए, वैसे भी ऑप्शनल है। अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर हमारे पास अपने आप आ चुका है। एड्रेस के बाद में यहाँ पूछना कि किस कंट्री से आप हैं, कंट्री इंडिया आ गई। हमने अपना पैन नंबर है यहाँ पे डालना है, तो मैंने अपना पैन नंबर यहाँ पे डाल दिया है। दूसरा यहाँ पे पूछा गया क्या लोअर टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट आपके पास है, हमने कर दिया नो, यदि नहीं है तो हमें नो लिखना है। या GST आपके पास को रजिस्टर फॉर्म है तो नहीं, हमने ना कर दिया है, दोनों जगह नो कर दिया है। और लास्ट में यहाँ पे सिग्नेचर के रूप में हमें अपना नाम लिखना है, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर अपने आप डिफॉल्ट डेट आ जाएगी। अब मैं सबमिट बटन पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो अब मैं यहाँ पर इस चीज को देख सकता हूँ। देखिए यहाँ पर आप बता चुका है पूरा यहाँ जो है एग्जिट इंटरव्यू। अब हमारे पास जो है डैशबोर्ड पूरा यहाँ पर आ चुका है। इंटरव्यू कंट्री यहाँ आ रही है, इनकम टैक्स सर्विस आ रही है, स्टेटस कंप्लीट आ रहा है, विदहोल्डिंग जो रेट है वो 1% है। ठीक है, यहाँ पर इस पूरा जो है रिव्यू फॉर्म, अब पूरे फॉर्म को हम देख सकते हैं और एग्जिट फॉर इंटरव्यू, इससे हम बाहर निकल सकते हैं। तो अब हमारा जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट स्टेटस यहाँ शो हो रहा है और हर चीज हमारी अप टू डेट हो चुकी है।
दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य उन सभी लोगों को हेल्प करना है जो कब से अपने घर बैठे अपने इनकम को बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप ढंग से, शिद्दत से और सिंसियरिटी से इस प्रोग्राम को फॉलो करते हैं तो आपकी जो इनकम है वो निश्चित रूप से बढ़ने वाली है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल नॉलेज किंगडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले और भी रोचक वीडियो के अपडेट्स समय समय पर अपने मोबाइल पर मैसेज के रूप में मिलते रहें और आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।